चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जामली नामक स्थान पर सड़क किनारे साइड में खड़े हुए ट्रक में पीछे से टक्कर मारकर बल्कर पलट गया है, जिस कारण बल्कर का चालक घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार जामली स्थान में नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे क्लिंकर से भरा हुआ एक ट्रक नंबर HP 644275 खड़ा किया हुआ था। इस खड़े ट्रक को बल्कर नंबर HP 690863 ने पीछे से टक्कर मार दी है। खड़े हुए ट्रक के नीचे मैकेनिक काम कर रहा था। गनीमत ये रही कि ट्रक के नीचे काम कर रहा मैकेनिक बाल बाल बच गया और उसके समीप काफी लोग भी खड़े हुए थे। नेशनल हाईवे के समीप रिहायशी मकान भी था। अगर सड़क पर उक्त ट्रक न खड़ा हुआ होता तो वे बल्कर सीधा मकान के ऊपर जा गिरता, जिस कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि इस सड़क दुर्घटना में बल्कर पलटने के कारण बल्कर चालक जोगिंदर निवासी बनेर डाकघर तनबोल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। स्वारघाट के प्राथमिक उपचार के बाद घायल चालक को FRU नालागढ़ रेफर कर दिया गया है। बिलासपुर सदर थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी तक हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग शिमला धर्मशाला 103 पर किस तरह जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस करने को बच्चे मजबूर हो रहे हैं और प्रशासन गहरी नींद सोया हुआ है या किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। डंगार चौक पर ना ही जेब्रा क्रॉसिंग है और ना ही स्पीड ब्रेकर है तथा ना ही इस चौक पर किसी भी होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों या बच्चों की माने तो उन्होंने बताया कि रोजाना इस चौक से काफी संख्या में स्कूली तथा अन्य लोग गुजरते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। स्कूली बच्चों को तो जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस करना पड़ता है तथा इस चौक पर काफी हादसे हो चुके हैं और ये सड़क मार्ग काफी सड़कों को मिलाता है और इस मार्ग से काफी लोग आते जाते रहते हैं। पिछले काफी महीनों से किसी भी जवान की ड्यूटी नहीं लगाई गई। उन्होंने मांग की है कि इस चौक पर स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग तथा लोहे के बैरिकेड्स पर एक होमगार्ड जवान ड्यूटी लगाए जाए ताकि कोई भी हादसा ना हो सके। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी विशाल नेहरिया ने हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व CM शांता कुमार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विशाल चौहान, धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव प्रभारी व कैबिनेट मंत्री विपिन सिंह परमार, कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी, सांसद किशन कपूर सहित भाजपा के विधायक व पूर्व विधायकों सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशाल नेहरिया ने चुनाव अधिकारी डॉक्टर हरीश गज्जू के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है और दोनों सरकारों ने जनता के हित में बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर और सरकारों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ती है और हम इन्हीं चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भाजपा दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जीत दर्ज कर विकास को गति देगी। नामांकन के उपरांत भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इन चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता में खासा उत्साह है। विशाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर ये लग रहा है कि इस बार धर्मशाला में विधायक की जीत के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और भाजपा यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। विशाल नेहरिया ने कहा कि धर्मशाला में विभिन्न मुद्दे हैं जिनको जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से हल करने का प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किया जाएगा।
नेहरिया ने कहा कि कल तक पार्टी के झंडे और बैनर लगाने वाले कार्यकर्ता थे और आज पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण स्थान से प्रत्याशी बना दिया है। यही भाजपा की खासियत है। नेहरिया ने उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा हाईकमान, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित समस्त भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सोलन के सेंट ल्यूकस स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण मटकी नृत्य था। इस नृत्य में करीबन 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस नृत्य में उन्होंने मटकों के साथ नृत्य किया और जब एक साथ सभी विद्यार्थी ये नृत्य कर रहे थे तो उनमें अनुशासन और एकता की झलक साफ देखने को मिल रही थी। नृत्य ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया और सभी दर्शकों ने इस नृत्य को देखकर अपने दांतों तले उंगली भी दबाई। अधिक जानकारी देते हुए नृत्य के अध्यापक मीना केतन साहू ने बताया कि इस नृत्य के लिए उन्हें बेहद मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को मटकी पर चढ़ने और उतरने का ज्ञान तो देना ही था, साथ में मटकी पर खड़े होकर आपस में मेल जोल बिठाते हुए अच्छे नृत्य का प्रदर्शन भी करना था। उन्होंने बताया कि इस नृत्य को विद्यार्थियों को दोहरा फायदा हुआ, जहां एक और उन्हें मटकी पर नृत्य सीखने का मौका मिला, वहीं उनकी एकाग्रता में भी इजाफा हुआ।